नमो नुरे सौरियंताम नमो नुरे सौसिदानम नमो नुरे सौवायरियान नमो नुरे सौजायानम नमो नुरे सौत्रिकालवती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मंगलम नमस्म स्वानुभूतिसार 199 गाथा छेल्ला शब्द छे क्या कहते हैं कि आत्मा निजरा का अधिकार है। आत्मा आनंद ने अतीन्द्रिय शांति न स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु है। उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन में अपना पूर्ण स्वरूप इसकी प्रतीति होती है। उसमें जो राग दिखते हैं कर्म का पाक, कर्म तो सत्ता में है पर उसका विपाक आता है, तो उसमें जुड़ान से ज्ञानी को भी थोड़ा राग आता है, पर राग का वो स्वामी नहीं होता, राग का कर्ता नहीं होता, राग का स्वामी नहीं होता, राग में सुख बुद्धि नहीं होती, राग में मिठास नहीं। धर्मी को आत्मा का आनंद का ही मिठास आई है। भगवान आत्मा अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। उसका सत्ता अस्तित्व ऐसा अनुभव में आया, दृष्टि में ऐसा अनुभव में आया, तब उसकी मिठास के आगे शुभ के अशुभ कई पर राग उसकी मिठास छूट जाती है, दुख रूप लगते हैं, आकुलता लगते हैं, दुख आकुलता लगते हैं। जैसे राग आदि बता बोल आ गया है, जैसे राग द्वेष आदि सब लेना आई सुध आ गया है, काय सुध आया है, और शरीर है शरीर उसकी पर्याय है, वो तो जड़ की है। अभी भी आ शरीर की जो पर्याय है तो पर्याय देवगुण तो टिकाव है, अवस्था जो शरीर की है ये तो जड़ है, तो सम्यक दृष्टि को जड़ का भी स्वामीपना उठ गया, शरीर का स्वामीपना उठ गया, शरीर की कोई क्रिया हलचल था है उसका धर्मी स्वामी नहीं। हैं बता भी गया था छेल्ला मोक्ष मन वचन ने काया नो कर्म तो बधु आवी गयो, सब अपना आत्मा अलावा सब चीज जो है ये अपने काल में उसकी पर्याय उसे होती है, तो मेरे से वो पर्याय हुई ऐसा विख्यात भाव संकित को नहीं होता। सूक्ष्म भाव है अंतर आत्मा सम्यक, जैसी पूर्ण चीज अनंत अनंत कहा था न, कर एक
अनंत मुख करे और एक मुख में अनंत जीव करे तो हम एक द्रव का आत्मा का गुण की संख्या कह सकते नहीं। अनंत मुख करे, एक एक मुख में अनंत जीव करे तो भी ये आत्मा में इतनी संख्या है, गुण की संख्या हो कि ये संख्या इतनी जीव से भी कह सके नहीं। ऐसा प्रभु जिसकी दृष्टि में आया और अनुभव में आया कि मैं तो आत्मा आनंद हूं, मैं तो सुख ने पंथे पड़ा हूं, मैं मेरी चीज ही सुख है और मैं सुख के रास्ते हूं। राग आदि आता है तो दुख पंथ है, तो ये दुख मेरी चीज नहीं, मन मेरी चीज नहीं, वाणी मेरी चीज नहीं, काया शरीर है तो ये अनंत परमाणु की पर्याय है, ये मेरी चीज नहीं, मेरे से चलती नहीं, मेरे से बेचती नहीं, मेरे से बोल भाषा है मेरे से निकलती नहीं। और श्रोत इंद्री ये मैं नहीं, कान कान जड़ है आप, तो माटी की पर्याय उद्गल की, ये मैं नहीं, उसका अवलंबन से मैं सुनता ही नहीं। क्योंकि मेरा स्वभाव निरालंबी ज्ञाता दृष्टा है तो जानना देखना कोई पर की अपेक्षा करके हो ऐसा है नहीं। ऐसे स्रोत इंद्री मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरे में नहीं, उसमें मैं नहीं। एम चक्षु, चक्षु से भगवान को देखते हैं तो कहिए चक्षुज मेरी नहीं, और भगवान को मैं देखते नहीं, मैं तो मेरी पर्याय को देखता हूं। चक्षु ही मेरी नहीं, चक्षु से जानने में जो चीज आती है ये मैं नहीं, मेरे तो मेरी पर्याय से मैं जानने में आता हूं, वो दिखने में आता ही नहीं, वो तो पर चीज है। मैं तो मेरी चीज से देखता हूं तो ये श्रोतेन्द्री मेरी है ही नहीं, चक्षु भी मेरी नहीं, आंख से दिख रहे हो तो देखने में आंख से देखता हूं ऐसा है, आपकी बात है पंडित जी। क्योंकि जगत का जड़ पदार्थ वर्तमान पर्याय बिना का तो है ही नहीं, तो वो पर्याय जड़ की है तो उससे मैं जानता हूं ऐसा है नहीं। ये चक्षु से मैं जानता हूं ऐसा चक्षु में नहीं, पर उससे मैं जानता हूं ऐसा है ही नहीं। ग्रास उसके मैं
ज्ञान इंद्रिय में नहीं, द्रव्य इंद्रिय तो नहीं पर भाव इंद्रिय में नहीं। और उससे मैं सूंघता हूं मैं नहीं। मैं तो मेरा ज्ञान की पर्याय पर को पर है तो जानते हैं ऐसा नहीं, अपनी पर्याय अपने से स्वपर जानने की ताकत से जानते हैं उसको मैं जानता हूं। आखिरी बात से भाई, धर्म नहीं साधारण चीज नहीं। ऐसे रसम जीव ये मैं नहीं, जीव तो जड़ की पर्याय है और उसके रस का स्वाद लेता हूं ये मैं नहीं। उसको समय में जीव की पर्याय और रस की पर्याय को जानता हूं वो भी व्यवहार है। मैं तो ये समय की पर्याय मेरी है, सफर प्रकाश प्रकाश पर्याय उसको मैं जानता हूं उसका स्वाद मैं लेता हूं। आई बात है जो लोगों ने भक्ति ने व्रत ने तप ने पूजा ने वहां धर्म मनाई गया। आई अंदर में आऊ अंतर तल में आऊ महापुरुषार्थ अनेज पुरुषार्थ से ऐसे स्पर्शन स्पर्शन मैं हाथ का स्पर्शन को भी स्पर्शता नहीं और हाथ पर को स्पर्श करते हैं ये नहीं। हाथ स्पर्श जो है उसको मैं स्पर्शता हूं छूता हूं ऐसा नहीं क्योंकि मेरी चीज नहीं। और वो स्पर्श पर को स्पर्शता है शरीर को पर की ऐसे ही नहीं क्योंकि एक द्रव्य ने पर्याय में हम इंद्रिय की पर्याय में तो अच्छा दबाव है तो मैं पर को स्पर्शता हूं तो नहीं शरीर की स्पर्शता हूं मैं हूं उसको ये भी नहीं। और शरीर का स्पर्श का ज्ञान होता है ये भी स्पर्श इंद्रिय के कारण से नहीं। ये मेरा ज्ञान स्वभाव है उससे स्वपर प्रकाशक अपनी सत्ता से स्वपर प्रकाश होता है। ये स्पर्श है तो मेरे ज्ञान स्पर्श का होता है ऐसा है नहीं। जीनी बात ये पांच इंद्री बाकी परम दी का तो स्वाध्याय थी ये शब्द रखकर 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना और इसी उपदेश से दूसरे भी जितना विकल्प ने जितना संयोग चीज सब चीज को मैं छूता नहीं वो चीज में मैं नहीं वो चीज मेरी नहीं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। 199 थी 200 इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ है ये अपेक्षा कथन है। खरेखर तो आत्मा अपने को जानने में जब रुक्या तब राग की उत्पत्ति होती नहीं। ये राग को छोड़ा हम कहने में आया है।
समझ में आया? जीने वाचे भाई, अनंत काल अनंत काल 84 ना अवतार एक जीवनी अनंत अवतार कर्या बापू भूली गयो बधु भूली गयो भूली गयो भूली जवानो तो छे पण भूलो ई पोताने याद कर्या ने भूली गयो પોતાને યાદ કરી ભાન કરીને ભૂલી જાય તો બોલવા જેવું છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ અપને કો જાનતા અપને કો જાનતા દીખે કયા ને રાહ કો જાનતા એસા નહીં. छोड़ता ही नहीं निमित्त का सब व्यवहार है. कहा नहीं आत्मा अपना स्वरूप में एकाग्र होते हैं तो राग उत्पन्न नहीं होता. तो राग छोड़ा हम कहने में नाम कथन मात्र से है. उपदेश कैसा चले? हा बहु मार्ग जुड़ो बापू तीर्थन करो त्रिलोक नादास तीर्थं कर दे परमेश्वर एनी यादी धनी. अत्यारे तो लोग बार थी आ करू ना करू ना करू एम धर्म मान ली कई करू दया करू राग करू ये मिथ्या भाव है. કીધું નહી પણ કાલ આટલું બધું ન કીધું. કર્મ એ મરવું છે. કેમ કે આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એને હું રાગ કરું ત્યાં રોકાણો તો આત્માના સ્વભાવનું જીવન છે એને એને નકાર કર્યો તો મરણ કર્યું. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જીવન જીવનું છે એને ઠેકાણે હું આનાથી જીવું છું રાગથી કુંથી આનાથી રાગ કરું તો જ મારું સ્વરૂપ છે. તો એ જે કરતા નથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે તેનો એને અસ્વીકાર કરી એનો નકાર કરીને તેનું મરણ કરી નાખ્યું. આકરી વાત છે ભાઈ. નિયમ સે જ્ઞાન વૈરાગ સંપન્ન હોતા હૈ. ધર્મી તો અપના અસ્તિત્વ કા ભાન ઓર પુણ્ય પાપ કા વિકલ્પ સે વિરક્ત વૈરાગ ये दो शक्ति सहित होता है धर्म. क्या किया? अपना स्वरूप जो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसका ज्ञान अने पुण्य पाप का भाव का विरक्तपना ये वैराग ये धर्मी ज्ञान ने वैराग दो शक्ति सहित होता है. अपना अस्तित्व का भान अपने में नहीं है उसका वैराग विरक्ति ये ज्ञान ने वैराग दो शक्ति सहित होता है. दोस्तों एवं समदिठी अपानम ममदी नान सहवम जानग सहवम ઉદયમ કમ વિવાદમ હુયદી તચમ વ્યાનંતો. નીચે સતદ્રષ્ટિ શ્રીત આત્મા કો વિનાયક સ્વભાવી જાનતા
और उदय कर्म विपाक को वो यत्त्व विनायक छोड़ता उपदेश नहीं सही के माने टीका दोस्तों गाथा की टीका। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सम्यक सच दृष्टि जीवों पोतानो अपना पूर्ण स्वरूप है, ये पूर्ण सत है, उसकी दृष्टि निर्विकल्प उसका नाम यहां सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया एटले सामान्यथी पण परनो स्वामी नथी, अने विशेषतया एक एक व्यक्ति ने भिन्न भिन्न चीज हो उसका भी स्वामी है। सामान्यतया विशेषतया प्रभाव स्वरूप प्रभाव आत्मा शिवाय राग आदि बदा प्रभाव सम्यक दृष्टि ये प्रकार है। सामान्य नाम संक्षेप थी सब नो त्याग अने विशेष थी पण एक एक नो राग आदि अंश नो पण त्याग प्रभाव स्वरूप स्वभावों से वेद ज्ञान भिन्नता करे नाना मा नानो अंश राग हो उससे भी भिन्नता करे अने शरीर आदि बाह्य चीज मोटी हो अनंत परमाणु ना खंड आदि उससे भी भिन्नता करे सामान्य ने विशेष या प्रभाव स्वरूप सर्वभावों से विवेक करके आटली मर्यादा से बाकी नियम सार में तो पर्याय ने पण परद्रव्य ने प्रभाव कीधो है। या तो आत्मा ना निर्मल पर्याय शिवाय राग आदि ने परद्रव्य आदि सब ने प्रभाव आया था नियम सार में तो शुद्ध भाव अधिकार में निर्मल पर्याय हो धर्म पर्याय हो ये भी प्रभाव पद्रव है। कितना प्रकार प्रभाव ना आत्मा शिवाय पर वस्तु अनुति पंच परमेश्वरी पर परद्रव्य ने प्रभाव में जाते हैं क्योंकि उसमें ने अपनी पर्याय में अत्यंत अभाव है। ये और यहां शरीर आदि प्रभाव पुण्य पाप का प्रभाव और पुण्य पाप को जानने वाली पर्याय वो भी त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से प्रभाव आई है इतने ले लेना नहीं है यहां त्यां तो कुंदाचार पोताना भावना में ग्रंथ बनायो नियम सार पोतानी भावना में बनाव अलौकिक दुनिया थी जात फेर से बदी की आई कहे कि आ राग नो विकल्प हो नाना मना हो अरे ये भाव से तीर्थंकर को संबंधे
उससे भी भेद विधान करते हैं। ये मैं मेरी चीज नहीं, मैं उसको करता नहीं। मेरी चीज में नहीं, मैं उसमें नहीं, मैं उसका कर्ता न स्वामी नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि पर सर्व प्रभावों से वेद ज्ञान भिन्नता करके टंको उत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, टंको उत्कीर्ण एवान एव ऐसा ऐसा है जब अद्भुतनाथ छेने पानी तले ऊपर थी कड़ी नाखी अंतर मूर्ति काटी मूर्ति एम भगवान अंतर में टंकुत किरण ऐसा ऐसा अनादि आनंद है। शुद्ध सचिदानंद प्रभु अनंत निर्मल गुणनी खान निदान ऐसा जो भगवान आत्मा एक ज्ञायक भाव देव बने पर्याय ये पण नहीं आई तो क्या मैं तो ये ज्ञायक भाव एम पर्याय निर्णय एम करती है पर्याय मैं पर्याय हूं ऐसा निर्णय नहीं करती। ये तो पर्याय कार्य है कर्ता कर्म आदि बधु होती है पर्याय में मेरे में तो कुटस्थ ध्रुव है। तो ये ध्रुव का निर्णय करने वाली पर्याय कहती है कि मैं तो ज्ञायक भाव हूं। एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव ऐसा जो आत्मा का तत्व एक के गाथा समय सा प्रवचन सा अलौकिक है आगे वार्ता है नहीं भाई आप धर्म भागवत कथा नियम सार नाता है चले भागवत कथा तो भगवान आत्मा एनी कथा यह कहते हैं कि एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव ऐसा न लिया ध्यान पर्याय मेरा स्वभाव है ऐसा ही न लिया पर्याय निर्णय करती है ये कह रहे मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव हूं। टंकोत्कीर्ण एक रूप भेद भी ना गुण गुणी ना भेद भी नहीं राग आदि तो नहीं परद्रव तो नहीं पर पर्याय भी नहीं पर गुण गुण का भेद भी नहीं एक ज्ञायक भाव चैतन बिंब ध्रुव नित्यानंद प्रभु एवो एक रूप ज्ञायक स्वभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्मा का तत्व देखो क्या किया ये ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है ऐसा आत्मा का तत्व ये आत्मा नो तत्व आत्मा भाव अने आ भाव स्वरूप भाववान ज्ञायक भाव स्वरूप भाववान ऐसा आत्म तत्व आ,
आऊ बाहर नहीं बात वाले आ करो वाले भी शू थे नहीं ये चीज ये भी अंदर जेने कोई अपेक्षा नहीं पर्याय पर जिसमें ऊपर तीरती है राग नी बातों कहा के ना ज्ञायक भाव उसमें पर्याय भी ऊपर तीरती है अंदर प्रवेश नहीं करती ये पर्याय निर्णय करती है मैं तो ज्ञाय सो ये मेरा तत्व है आत्म तत्व ये हूं है टंकोत के भेद कर दे पर से भेद कर क्या अपने से अभेद क्या कि टंको उत्कीर्ण जैसा चीज है ऐसी एक विनायक भाव जिसका स्वभाव किसका ऐसा आत्मा ऐसा आत्मा का तत्व विनायक भाव ही आत्मा का तत्व आत्मा और ज्ञायक भाव की आत्म तत्व आत्मा का तत्व उसको भली भांति जानता है उसको भली भांति लखना पड़ा क्योंकि जान जानवाना सूक्ष्म में बात आती है दूसरी चीज है और अंदर में अनुभव करना ही दूसरी चीज है तो वो मैं क्या भली भांति जानता है इतने जैसा है ऐसा अनुभवता है जानता ना जैसा भगवान ज्ञायक भाव है ऐसा जो आत्म तत्व उसको सम्यक दृष्टि जानता है इतने अनुभवता है समझ में आया और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ ये प्रकार तत्व ने जानता थका स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न ये बेदी नान ये पिछले बात करी थी ज्ञान प्रदान कथन करी स्वभाव के ग्रहण विनायक स्वभाव आत्म तत्व उसका स्वीकार ग्रहण आदर वेदन अनुभव और प्रभाव का अत्याग राग आदि का अत्यंत अभाव ऐसा आत्मा में परिणमन होना वह गाथा था स्वभाव के ग्रहण न्यायक स्वभाव पूर्ण स्वरूप एक रूप तत्व अनंत गुण भले हो पर वस्तु तत्व तो एक रूप है एक रूप को ग्रहण और प्रभाव का त्याग ऐसे त्याग से उत्पन्न होने वाला अपने वस्तुत्व को विस्तृत करता हुआ वस्तुत्व वस्तुपण वस्तुपण
ये ज्ञायक भाव ये वस्तुपणु उसका विस्तार तो हुआ। ज्ञायक ने दृष्टापणा नी दिशा ने फैलावता हुआ। जानना ने देखना ऐसा स्वभाव को फैलावता विस्तारता हुआ पर्याय में हो। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु को ग्रहण करना अर्थात उसको फैलाते हैं विस्तार पर्याय में उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है। वस्तुत्व को विस्तृत करता जो वस्तु को नहीं वस्तुत्व वस्तुपणु आत्म तत्व नु विनायकपणु एने विस्तारता हुआ। આવી ચીજ છે જૈન ધર્મ છે કે જૈન ધર્મ તો દયા પાડવી છકાય ઉપવાસ કરવા વર્ષી તપ કરવા દાન દેવું બાપુ એકી એ ધર્મ જૈન ધર્મ નથી એ તો રાગ છે એ જૈન ધર્મ છે એ નહીં આય તો વિતરાગ ત્રિલોકનાથ જૈન પરમેશ્વરની અવાણી છે સંતો આડતિયા થઈને વાત કરતે હૈ પરમેશ્વર આમ કહેતે એમ કહેતે ને વસ્તુ તો કો વિસ્તૃત કરતા હોવા કમળ જેમ ખીલે એમ સંબંધ દ્રષ્ટિ દ્રવ કા સ્વભાવ કા ખીલતા હોવા વિકાસ કરતા હોવા પર્યાય મેં દ્રવ સ્વભાવ કા એકત્વ કરને સે વિસ્તારતા હોવા वो क्या धर्म कह जो कि कोई कहे एकांत से हम लोग कहते हैं अरे भाई प्रभु तुम सुन तो सही एम के बाहर में गाथा मा तो ऐसा कहा है कि अपरमिथिदा साधु श्रावक ने तो व्रत तप भक्ति पूजा ये धर्म है एम कीधु બારમી ગાથામાં એમ કે છે અપર મેઠીદા ભાવે અરે ભગવાન તે ટીકા એ જોઈ નહીં અપર મે ભાવ ટીકાનો અર્થ એ છે કે પદાર્થે તે કાળે જાણેલો પ્રયોજના આદરણી ને કરને લાયક એ વાત એ નહીં ત્યાં તો કાલે આવ્યું છે કરુણાદીપમાં સોનગઢી પંથ તો એમ કે એકાંત મિથ્યા છે કારણ કે જે ક્રિયાકાંડ ધર્મની પહેલી કરવી જોઈએ એને તો ધર્મ માનતા નથી બારમી ગાથામાં કહ્યું છે કે પેલું એ કર્મ શ્રાવક મુનિનો એ ધર્મ છે અપરમેઠીદા ભાવે નીચલી દિશામાં તો આ જ હોય છે પણ એનો અર્થ ક્યાં તને ખબર નથી બાપુ અમૃતચંદ્ર આચાર્ય એવો કે સદા તૃતીય કાળે સ્વરૂપ શુદ્ધ છે તેનું ભાન થયું અનુભવ થયો પણ પર્યાયમાં હજી શુદ્ધતા થોડી અને અશુદ્ધતા થોડી એને જાણવું તે કાળે જે જે પ્રકારની શુદ્ધતા અને શુદ્ધતા પર્યાયમાં એ પર્યાયને જાણવું એ જ વ્યવહારનો એનો વિષય છે કરવું ત્યાં અને આ ધર્મ વ્યવહાર ધર્મ છે એ પ્રશ્ન ત્યાં છે જ નહીં ભાઈ એ બધું આ લઈને મોઢાને બસ
सौंदगढ़ नो एकांत छे गमे के बापा भाई तारी चीज कोई जुदी छे तने तारी खबर नहीं तू बीजी रीते वस्तुत्व को अपने वस्तुत्व को विस्तारित करता होगा कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुई समस्त भावों दया दान व्रत भक्ति पूजा शरीर वाणी मन करवा दी बदी चीजों ये बधा ने छोड़ता होगा एटले तेनु लक्ष्य करतो नथी समस्त भावों को छोड़ता है इसने यह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग संपन्न होता है अपना पूर्ण स्वरूप का अनुभव का ज्ञान और शुभ शुभ भाव का विरक्तपना वैराग तो पर से तो वैराग होता ही है अंदर शुभ शुभ भाव से भी विरक्त हो वैराग अस्तित्व का ज्ञान और पुण्य पाप का नास्तित्व का वैराग ये नहीं है वो वैराग ये ज्ञान में वैराग संपन्न है दुकान छोड़ी धंधा छोड़ा बैडी छोकरा छोड़ा माटी एने आ छोड़ू एम नहीं आई ये वैराग नहीं वैराग तो एने कहे कि जे शुभ शुभ भाव छे तेनाथी विरक्त थाय एमा रक्त छे ये मिथ्या छे जेनाथी विरक्त थाय स्वभाव नहीं दृष्टि में पूर्ण ने स्वीकारे अने आ बाजू थी राग थी अभाव थाय वैराग ये ज्ञान वैराग बे शक्ति धर्मी ने होय छे छे इसलिए सम्यक दृष्टि निश्चय से नियम से निश्चय से ज्ञान वैराग संपन्न होता है स्वरूप का ज्ञान और विकार का अभाव का वैराग यथी धर्मी जीव ज्ञान ने वैराग संपन्न होता है ये सिद्ध हुआ ये साबित है जब अपने को तो विनायक भाव सुखमय जाना विनायक भाव रूप ने सुखमय हो जाना इसे अपने को विनायक भाव आनंद अतीन्द्रिय आनंदमय बात है भगवान आत्मा विनायक भाव अने आनंद अतीन्द्रिय आनंदमय सुखमय सुख वावा ऐसा नहीं सुख वावा ऐसे सुखमय अतीन्द्रिय आनंद सुखमय प्रभु आत्मा से अपना स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदमय है એથી સુખ મય કહ્યું તે રૂપ મય એટલે સુખ રૂપ સુખ વાવા સ્વરૂપ જ સુખ રૂપ હૈ ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદ રૂપી હૈ સુખ મય હૈ સુખ વાળા એસા નહીં
સારી વાત છે એ લોકોને રહેવાનો લોપ કરે તો જ નિશ્ચય થાય, તેથી એ લોકોને ગોઠતું નથી. વ્યવહાર કરે દયા વ્રત ભક્તિ તપસ્યા આપવા તો કરતા કરતા પછી થાય કે નહીં? હા હા, તો કહે છે પહેલેથી સ્વભાવની પૂર્ણતાનું ભાન અનુભવ અને રાગથી વિકલ્પથી માંડી આખી ચીજનો વૈરાગ, એનાથી અત્યંત અભાવ સ્વભાવરૂપ પરિણમ. પંડિતજી આવી વાત છે. હા એ તો ભાઈ સંસારના વિકલ્પથી મરી જવાનું છે. હા શુભાશુભ રાગથી તો મરી જવાનું છે અને ચૈતન્યના સ્વભાવથી જીવન ગાળવાના છે. આહા, હું તો આમ કે છું બાપા, તને લાગે ન લાગે જુદી વાત છે. આહા, ત્રણ લોકનો નાથ જેના જ્ઞાનમાં ત્રણ કાળ જણાવા એની વાણીમાં આવ્યું યા પ્રવચન દીવ ધ્વનિ કહો, પ્ર વિશેષ વચનો કહો, દીવ ધ્વનિ છે. અપને કો વિનાયક ભાવ સુખમય જાને, એકલો વિનાયક ભાવ ન લીધો, કારણ કે પાછી ઘરમાં ક્યાંક ક્યાંક સુખ બુદ્ધિ રહી જાય ત્યાં બધી મિથ્યા થાય. હા હા, અપના આત્મામાં આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદ કા ગંજ પુંજ પડા હે, એ સિવાય અલાવા કોઈ ચીજમાં શરીરમાં ઇસ્ત્રીમાં કુટુંબમાં પરિવારમાં આબરૂમાં મકાનમાં કપડા બપડા ને દાગીના બરાબર પહેરે હરખા થાય ઠીક છે, મજા છે. હા, સબ મિથ્યા સદ હૈ. જબ અપને કો તો વિનાયક ભાવ રૂપ, વિનાયક ભાવ લીધો છે ને, દ્રવજી છે, ભાવવાન છે, માયાનો વિનાયક ભાવ છે, વિનાયક પણ છે, એનું તત્વ પણ એ છે ભગવાન. હા હા હા, એ વિનાયક ભાવ રૂપ અને સુખમય, વિનાયક ભાવ રૂપ જોયું તન્મય છે ને, નાયક ભાવ વાવ એમ એ નહી, નાયક ભાવ રૂપ અને સુખ ભય અભેદ ભરી. આવી વાતો છે જેની પડે પ્રભુ પણ આ કરી છૂટ્યો છે ઈશ્વર જન્મ મરણ. હા હા, એ 84 અવતાર, એક એક અવતારમાં દુઃખો વેઠ્યા એને. હા, નરકના 10,000 વર્ષની સ્થિતિ જગન્યાનું દુઃખનું વર્ણન પ્રભુ કહે છે, કરોડો ભવે ને કરોડો જીભે ન થાય, તારા ગુણો જેમ અનંત મુખે ને અનંત જીભે ન થાય. હા હા,
તેવું તારું દુઃખ જે છે એ પણ ક્રૂરો ભવે ને ક્રૂરો જીભે ન થાય, આનંદ ભવે ને તો નહી, કારણ કે દુઃખ ની મર્યાદા છે ને, આ તો અતિન્દ્રિય આનંદ ને જ્ઞાન તો મર્યાદિત સ્વભાવ છે. દુઃખ કઈ આત્મામાં આનંદ ને જ્ઞાન ને શક્તિઓ છે અમર્યાદિત, એવું કઈ દુઃખ નથી, દુઃખ તો મર્યાદિત છે. હા હા, પણ મર્યાદિત દુઃખ માં અનંતતા છે કે હા. ક્રોધ મુખે ને ક્રોધ જીભે ન કહેવાય બાપુ. હા, તને સેના હરખના હડકા આવે પરમા એમ કે છે, પરમા હરખના હડકા આવે, હરખ પ્રભુ હરખ તો આનંદ તો તારા તેરે મેં. હા હા હા, જબ અપને કો તો વિનાયક ભાવ રૂપ સુખમય જાને ઓર કર્મ હોય કે ઉત્પન્ન હોય એ ભાવો કો આકુલતા રૂપ દુઃખમય જાને, આકુલતા રૂપ રાગ આદિ વિકારા વ્યવહાર રત્ન ત્રય નો વિકલ્પ પણ આકુલતા રૂપ હે. આકુલતા રૂપ દુઃખમય જાને તબ જ્ઞાન રૂપે રે ના, તબ તો અપના જ્ઞાયક રૂપ અને સુખમય આત્મા કો જાણ્યા તો ત્યાં રહેના. ત્યાં આસન લગાના, હા હા, ઉદાસીન રાગ સે ઉદાસીન થઈ આસન સ્વભાવ મેં લગાના, હા હા, જ્ઞાનરૂપ રહેના, પરભાવ સે વિરાગતા હે ને, પર રાગ આદિ થી વિરાગતા. હા, ये दोनों अवश्य होते हैं, बे जरूर होते हैं, यह बात प्रकट अनुभव गम है, ये बात प्रकट अनुभव गम है. भगवान आनंद स्वरूप है, राग आदि दुख रूप है, ये तो प्रकट अनुभव गम है. वही ज्ञान वैरागी सम्यक दृष्टा थे न है, આ જ્ઞાન અને આવું જે વૈરાગ પૂરણ સ્વરૂપ જ્ઞાનમયનું જ્ઞાન અને રાગથી વિરક્તતા એવો વૈરાગ એ સમ્યક દ્રષ્ટિનું લક્ષણ છે, એ સમ્યક દ્રષ્ટિ કા ચિહ્ન હે. જો જીવ પરદ્રવ્ય મેં આશક્ત રાગી હે, આ રાગના કણને પણ જેની રાજીપને ખુશી પરા હે, ઓર સમ્યક દ્રષ્ટિત્વ કા અભિમાન કરતે હૈ, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રાગ દયા દાન વ્રત આદિ કે ગુણગુણીનો ભેદનો ગરાગ, એ રાગ કા જીસકો પ્રેમ હૈ આશક્ત હૈ, હા હા, ઓર સમ્યક દ્રષ્ટિ કા અભિમાન કરતે હૈ, એ સમ્યક દ્રષ્ટિ નહીં. વ્રથા અભિમાન કરતે હૈ, ये शरद का कलश रूप काय कहते हैं, जो कलश है ना कलश, सम्यक दृष्टि स्वयं अहम जातु बंधुनों में साथ इति उतान उत्पुल बोधना रागिणों अपि आचरंतु आलमंताम समिति व्यपरताम ते यतो अद्यापि पापा. हा हा हा,
आत्मानम आत्मा अवगम विराट संति सम्यक वीरता अयम अहम स्वयं सम्यदृष्टि मैं जातु बंद न सा मैं स्वयं सम्यदृष्टि हूं मुझे कभी बंद नहीं होता एम के गमे तेवा मैं विषय भोगू पर मेरे बंद नहीं शास्त्र में कहू से सम्यदृष्टि बंद अरे भाई कहू से खूने जेने राग नो राग छूटी गयो छे राग का राग छूट गया है और स्वभाव का प्रेम में रुचि का परिणाम हो गया है उसको कहा है कि विषय भोगने पर भी उसको बंद नहीं तू स्वच्छंद होकर ऐसे करे कि हम समय दृष्टि है मैं विषय भोगने के खुद बंद नहीं मैं स्वयं समय दृष्टि मुझे कभी बंद नहीं होता शास्त्र में समय दृष्टि को बंद नहीं कहा ऐसा मानकर उतान उत्पल वदा जिनका मुख गर्व से ऊंचा पुलकित हुआ है हमारे ये तो शरीर नो धर्म शरीर करे भोग शरीर करे अरे बापा बाहर मैंने अंदर राग नी एकता नी बुद्धि पड़ी छे मिथ्या छे अने तू एम माने छे का मने बंद नथी ऊंचा पुलकित हो रहा ऐसे रागी जीव परद्रव्य प्रति राग विषम वाला जीव भले महाव्रता भी आचरण करे ठीक महावर्ती राग है राग नो प्रेम है के आचरण मेरे है तो ये मिथ्या दृष्टि है भले महाव्रत नो आचरण करे पंच महाव्रत पाले तो मिथ्या दृष्टि है महाव्रत राग है राग ना प्रेम छे ते तो मिथ्या भाव है जयरे बीजे ठेकाने कहू के मुनियो ने महाव्रत पावा महाव्रत तो महाव्रत मोटा थे एना जेव कोई मोटो नहीं एवं आवे ने ये तो बापू कही अपने अंदर स्वरूप नी रमणता थी एनी भूमिका में निश्चय महाव्रत है एम व्यवहार व्रत है एनी बात हूँ व्यव करी से आई ताकी तो हूं चोक महाव्रत आदि आचरण करे अने समितियों को उत्कृष्टता से आलमन करे बराबर कष्ट राग मंद थी मौन रहे ओछू बोले निर्दोष आर ले ये तो बड़ी क्रिया खान राग से एम तत्पर कहे तथापि ते पापी है ठीक महाव्रत पाले तो पापी से मिथ्या क्योंकि आत्मा ने अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सिमक्त से रहित है विशेष के वैसे